सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी समस्या है जिससे देश के लाखों बच्चे जूझ रहे हैं। इसमें बैठने, उठने, चलने, देखने, समझने, बोलने की समस्या के साथ साथ बार बार बीमार होने और झटके आने की समस्याएं होती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे परेशान बच्चों की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इससे प्रभावित गरीब बच्चों को समाज से मदद की आस है, जिससे ये बच्चे भी अपनी बीमारी से लड़ सकें और इससे मुक्ति पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। IMA इलाहाबाद की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि जो इलाहाबाद में स्थित त्रिशला फाउंडेशन है, वहाँ बहुत से बच्चे आते हैं अपने इलाज के लिए और वो ठीक होकर के वापस भी जाते हैं। आप सबसे अनुरोध है, आइए और इस त्रिशला फाउंडेशन के द्वारा किए कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर मदद करिए। त्रिशला फाउंडेशन एक ऐसे केंद्र की स्थापना करना चाहता है जिसमें विश्व के किसी कोने से आए हुए ऐसे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ऐसे पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिसमें बच्चों के साथ आए हुए उनके परिवार एक जगह रुककर बच्चों का इलाज एवं पुनर्वास कर सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है समाज का सहयोग। मैं इस समाज के सारे व्यापारी, डॉक्टर्स, वकील, जितने भी समृद्ध समाज के जितने भी वर्ग हैं, सबसे अपील करता हूं कि ये जितेंद्र द्वारा जो ये सीपी गांव जो है सोराव में बनाया जा रहा है, उसके लिए उसमें बनाने के में सहयोग करें, जिससे हमारे समाज में जितने भी सीपी के बच्चे हैं उनका समुचित इलाज हो सके। सबसे बड़ी समस्या आती है रहने की, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, जिसमें फंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर सबका सहयोग रहेगा तो सीपी के बच्चों का इलाज बहुत समुचित ढंग से हो सकता है। ऐसे में इन बच्चों के पुनर्वास के लिए त्रिशला सीपी गांव बनाने के लिए प्रस्तावित योजना तैयार की गई है और ये काम शुरू किया है त्रिशला फाउंडेशन नाम की संस्था ने। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे, जिनका कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई ऐसा सटीक इलाज नहीं था जिससे वो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, उनको एक नई रोशनी दी है। उनकी जीवन शैली एक सामान्य बच्चे की तरह स्थापित करने में इन्होंने बहुत बड़ा अहम योगदान निभाया है। डॉक्टर जितेंद्र जैन एक सीपी विलेज, सेरेब्रल पाल्सी विलेज की स्थापना करने जा रहे हैं, जहां इस तरह के बच्चों के रहने का, खाने का, शिक्षा का, उनको जीवन शैली इस तरह की स्थापित करने का कि जिससे आगे चल के वो समाज के किसी भी अन्य बच्चे की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। मेरी अपील है अपनी तरफ से, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कि आप लोग सब लोग आगे बढ़ कर के इस फाउंडेशन को अपना जिस तरह का सहयोग हो सकता है प्रदान करें, ताकि इस तरह के सीपी ग्रसित बच्चों के लिए एक नया जीवन उनको मिल सके। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन 2005 से बिना किसी सरकारी सहायता के दिव्यांग जनों के उत्थान की गतिविधियां संचालित करते आ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जैन जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि 2005 से सेरेब्रल पाल्सी के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस विषय में काम कर रहे हैं। और अब एक उनकी नई पहल जिसको सीपी गांव, जिसमें इससे प्रभावित बच्चे का एक समेकित विकास की योजना बनाई गई है, वो सब वहां रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनकी चिकित्सा भी होगी, उनके लिए रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध करा जाएंगे। इस योजना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं समस्त आम जनता, चिकित्सक एवं अन्य व्यवसायिक लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें और एक इन विशेष बच्चों के हित के लिए काम करें, जिससे वे देश और समाज को एक नई दिशा दे सकें, अपना योगदान कर सकें। संस्था अब तक बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी सहायता के अपने संसाधनों से ये कार्य कर रही है, किंतु इस प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित करके इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार यदि हम एकजुट हो जाएं, तो विकसित देशों के समान बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। त्रिशला फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है और सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स को जीने की राह दिखाने में बहुत अग्रसर है। कैसे इन बच्चों को टैकल करते हैं, इन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा है। लेकिन इतना ट्रीटमेंट और इतने बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए त्रिशला फाउंडेशन को कुछ सबकी मदद भी चाहिए। मैं एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, IMA के मेंबर्स और पूरे समाज से
ये विनती और अपील करता हूँ कि इनकी किसी भी सूरत में आकर के मदद की जाए। जितना अच्छा मदद करेंगे उतना ही त्रिशला फाउंडेशन आगे बढ़ कर के सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स की मदद और इलाज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वर्तमान समय में हमारे देश में विशेषतया उत्तर प्रदेश में शारीरिक अक्षमता एवं सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित बच्चों के समुचित इलाज एवं पुनर्वास के लिए समग्र एवं अत्याधुनिक केंद्रों की व्यवस्था नहीं है। जो इनका त्रिशला फाउंडेशन है जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों को नई उम्मीद दिखाता है, उनके परिवारजनों को, उनके माँ बाप को एक उम्मीद की किरण बनाता है, ऐसी संस्थाएँ बहुत गिनी चुनी होंगी हिंदुस्तान में। चूँकि इतनी ईमानदारी से चलती हुई संस्था है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और जितना ज़्यादा रूप ले, जो ऐसा उनका सपना है जितेंद्र जैन जी का इस संस्था को आगे ले जाने में और समाज में सेरेब्रल पैल्सी के मरीजों और उनके अभिभावकों की मदद करने के लिए, वो सपना जितना जल्दी पूरा हो उतना ही हम सब लोग को सोसाइटी समाज में सबको मदद मिलेगी इस समस्या से थोड़ा बहुत कष्ट कम करने में। और मैं सभी से अपील करूँगा कि जितेंद्र जैन, डॉक्टर जितेंद्र जैन के इस सपने को पूरा करने में दिल खोल के सहयोग दें। फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक विकास के दायरे को बढ़ाना है जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हैं। तो आप भी इसमें अपना सहयोग करें और इन मासूमों की मुस्कान वापस लाने में मदद करें। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र जैन को बहुत सालों से जानता हूं और इनके कार्यों से बहुत अच्छी तरह अवगत हूँ। पीडियाट्रिशियन हूँ इसलिए जानता हूँ कि कितने बेहतरीन काम ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, खासतौर से सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे जिनको अन्यथा कोई किसी किस्म का इलाज अभी तक हासिल नहीं था और ये कह दिया जाता था कि ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, कुछ आप एक्सरसाइज कर लो या मालिश कर लो, आमतौर पे कुछ चीज़ें बताई जाती थी फिजियोथेरेपी, लेकिन जिस किस्म की करेक्टिव सर्जरी डॉक्टर जितेंद्र जैन ने करा और जिससे बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिला, उसके लिए बच्चे और समाज इनके लिए हमेशा आभारी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसे तबके का ये इलाज और मदद पहुंचाते हैं जो गरीब हैं, जिनको अन्यथा कहीं बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी तक डॉक्टर जितेंद्र जैन त्रिशला फाउंडेशन में अपने रिसोर्सेज से जो जितना भरसक कर पाए करा, और अब हमारे ख्याल से सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग मिलके इनके काम को और आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहन दें जिससे और बच्चे लाभान्वित हों। तो आइए सीपी बच्चों के समेकित विकास के लिए मिलकर काम करें और देश में सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित बच्चों को निजात दिलाने के लिए त्रिशला फाउंडेशन के इस सीपी गांव का निर्माण कराने के लिए सहयोग राशि प्रदान करें। सेरेब्रल पॉलिसी में त्रिशला फाउंडेशन की तरफ के थ्रू बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सारे बच्चों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो कि समाज के एक अंग नहीं बन पाते थे, इन्होंने पूरा अपना जीवन उसमें लगा दिया है और अब ये उनको एक नया आयाम देने के लिए एक सुराव में एक नया अपना सेटअप बनाना चाहते हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को हमेशा सभी लोगों को मानवता के नाते पूरी तरीके से तन मन और धन से सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनको इनके एफर्ट में पूरी तरीके से सपोर्ट करें जिससे कि ये अपने गंतव्य को पहुंच सकें और अपनी बिल्डिंग को खड़ी कर सकें। आप अपना अनुदान निम्न बैंक खाते में कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया अनुदान भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर से छूट योग्य है। अकाउंट नेम त्रिशला फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 5201-4100-100-6246, IFC CORP 0000533। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी डोनेशन दे सकते हैं, इसके लिए www.trishlafoundation.com पर जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं।